तो देखिए, आज मैं आपको एक एस्टीमेट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेट एनालिसिस का पार्ट जो है, सीमेंट कंक्रीट वर्क, जो फर्श आपके बिछाए जाते हैं, सीमेंट कंक्रीट फैलाई जाती है, तो उसका मैं आपको रेट एनालिसिस कराने जा रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों। जब भी आप रेट एनालिसिस करते हैं तो आप ध्यान रखें, इसमें दो तरह की हम क्वेश्चन निकालते हैं। एक तो हम मटेरियल की क्वेश्चन निकालते हैं कि जितना भी हमारा मटेरियल लगेगा, जैसे सीमेंट हुआ, रेत हुआ, डस्ट हुआ, वो कितना लगेगा, और उसमें लेबर की कॉस्ट कितनी होगी, कि भाई कितने हम बेलदार मजदूर ये रखेंगे। ये दो तरह के से मिलकर आपका रेट एनालिसिस बनता है। तो हम दोनों की क्वांटिटी निकाल लेंगे, उसको और उसके रेट से गुणा कर देंगे, तो हमें फाइनल जो उनकी कॉस्ट होती है वो आ जाती है निकल कर। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, जो सीमेंट कंक्रीट है, हम 1, 2, 4 का मसाला लेकर चल रहे हैं और 10 क्यूबिक मीटर के लिए हमें इसका रेट एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, आप ये याद रखें कि हम जो इसका 10 क्यूबिक मीटर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे चलिए 100 मीटर क्यूब के लिए बताता हूँ। 100 मीटर क्यूब के लिए हम 50 से 52% एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वॉइड्स भी होते हैं। तो चलिए हम मान लो हम 50% एक्स्ट्रा मसाला जो है बनाएंगे, तो 100 मीटर क्यूब का अगर हम 50% बनाएंगे तो कितना होगा, 150, या आप इसको 50% से, मैं लिख देता हूँ 50% से 52%, यह आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप 50% लें कि 52% लें, तो आप दोनों ले सकते हैं। चलिए मैं 52% ही ले लेता हूँ। तो 100 का 52% कितना होगा, 152। अब आप अपॉन में क्या रखें, देखिए आप इनको ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 4, तो 4 2 6 1 7। और ये अगर आपका जिस तरह से मसाला होगा उस तरह से इनकी क्वांटिटी जो होगी वो चेंज होती रहेगी। अगर मान लो कहीं होगा आपका 1 8 का मसाला, तो वहाँ पर अलग आएगा, तो 152/7। तो ये 100 मीटर क्यूब के लिए आ जाएगा। तो हम इसको देखें क्या, कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं समझ क्या आएगा। ये आ गया हमारा 21.71। दोस्तों, ये तो हमारा आया कितने के लिए, 100 मीटर के लिए, पर हमें 10 मीटर क्यूब के लिए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.17। बस दोस्तों, इतनी चीज थी जो आपको बस में थोड़ी सी समझने वाली थी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा करते चले जाना है। देखिए, जब आपका फर्श बिछाया जाता है तो उसमें मटेरियल क्या क्या मटेरियल लगता है, सब जानते हैं कि भाई उसमें एक तो जो है हमारे सीमेंट ही लगेगा, एक हमारी उसमें सैंड लगती है। कौन सी सैंड लगती है, आप ये ध्यान रखें, कोर्स सैंड हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, और एक हम स्टोन का बैलेस्ट या ब्रिक बैलेस्ट जो भी हो सकता है, इसका मतलब है गिट्टी, ठीक है। जो उसका साइज जो होता है वो 40 mm गेज की होती है, वो तो मतलब वो परफेक्ट होती है। ये 40 mm गेज आपने लिखा हो तो आप इसे कंफ्यूज ना हो, ये उसका साइज दिया होता है, ये होती है गिट्टी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ तो हमारे मटेरियल होते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट के, इन तीन मटेरियल से हमारी जो है मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं सीमेंट की कॉस्ट कैसे निकालें। पहले सीमेंट की कॉस्ट इनकी सबकी निकाल लेते हैं। तो आप इतना याद रखें, जब भी हम इन सबकी निकालें तो आप इसको इस तरह से करें। देखिए, यहाँ 152/7 था, अगर हम, तो चलिए इसको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये तो था आपका 100 क्यूबिक मीटर के लिए। 10 क्यूबिक मीटर के लिए अगर आपको निकालना हो तो ये कितना होगा, 15.2। तो देखिए, सीमेंट के लिए निकाल लेंगे तो 15.2 अपॉन 1 + 2 + 4 जो भी मसाला हो, गुणा। अब देखिए, इसमें एक जो होता है वो तो हम क्या लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक जो होता है वो होता है सीमेंट, दो क्या होता है, दो होता है इसमें, बताइए आप लोग बताइए, दो होती है आपकी सैंड, और 4 जो होता है आपका वो बैलेस्ट होता है। तो अगर सीमेंट के लिए किया है एक, तो एक लिख दीजिए। कोर सैंड के लिए निकालना है तो 15.2 / 1 + 2 + 4 गुणा क्या है इसके लिए, 2, तो 2 से कर दीजिए। स्टोन बैलेस्ट के लिए क्या है, 15.2 / 1 + 2 + 4 गुणा 4। तो इनको सोल्व कर लेते हैं, जब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ये तो हमने भी करा ही था, 15.2 / 7, ये आ गया 2.171, 2.17, ठीक है। आप इसको चाहे तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, 2.17 को मैं 2.2 लिख लेता हूँ राउंड ऑफ करके। ऐसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो है वैल्यू आएगी, करके देख लीजिएगा आप, यही आएगी 4.4 मीटर क्यूब, और स्टोन बैलेस्ट की आएगी आपकी 8.8 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अब इसका मटेरियल, अब इसकी टेबल बनाते हैं। जो इसकी टेबल है मटेरियल्स, देखिए इसमें सबसे पहले नंबर पर तो होगा स्टोन बैलास्ट, 40 mm गेज का साइज का। दूसरे पे हम लेंगे कोर्स सैंड,
और तीसरे पर हम लेंगे सीमेंट। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं हम इनकी क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी इनकी आई। फिर इनका रेट हम देखते हैं, रेट जो होते हैं मार्केट रेट्स होते हैं, और फिर जो फाइनल आती है वो आपकी अमाउंट आती है कि कितने रुपए की हमें ये चीज़ लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे सीमेंट है, अब मैं आपको बता दूं कि सीमेंट के 1 मीटर क्यूब में जो है 30 बैग आते हैं। ठीक है, आप इसी को याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब में 30 बैग आते हैं। तो 2.2 मीटर क्यूब में कितना आएंगे, इसको क्या सोल्व कर लेते हैं, 2.2 × 30, तो सीमेंट के 66 बैग लेने होंगे हमको। कितने बैग लेने होंगे, 66 बैग्स। और सीमेंट का एक कट्टे का रेट अप्रोक्स 310 रहता है, तो 310 या 320 जो भी आप लें आप वो ले लें। ठीक है, और सैंड का आप लेंगे, सैंड की आपको 4.4 है। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, 4.4 लिख देना है। और स्टोन बैलेंस कितना होगा आपका, 8.8। तो इसकी क्वांटिटी 8.8 मीटर क्यूब हो गई, इसकी 4.4, ये 66 वैट। इनको रेट दे देते हैं हम, तो जो स्टोन बैलेस्ट है जनरली उसका मार्केट रेट क्या चल रहा है, लगभग 2000 पर मीटर क्यूब चल रहा है। और इसका सैंड का जो है लगभग 1600 मीटर क्यूब। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी, इसकी इससे करिए तो यहाँ आ जाएगी, इसकी इससे करिए तो यहाँ आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्या आएगी, फिर करके बता देता हूँ आपको। 8.8 की, सत्रह हजार 600, और 4.4 की कितने में करनी है हमको, 1600 में, ये आएगी 7040। और ये 66 कट्टे हैं और एक कट्टे का है 310, तो 20460। ये आपके हिसाब से वेरिएट होते हैं लोकल रेट। ठीक है, फिर आप इन सबको जोड़ लीजिए, 20460 प्लस 7040 प्लस 17600, तो आपकी 45100। तो दोस्तों ये जो कॉस्ट आपकी निकल कर आई, ये आपकी मटेरियल की कॉस्ट आई है। अब हम लेबर की कॉस्ट अलग से निकालेंगे कि इतना तो आपका मटेरियल लगेगा लेबर। अब आप जानते हैं कहीं भी लेबर पर साइट वर्क होता है, अगर कहीं भी काम होता है तो उसमें हम क्या क्या लगते हैं। एक होता है हेड मेसन, एक होता है मेसन, एक होता है आपका बेलदार, एक होता है मजदूर, एक होता है आपका वाटरमैन, इसको बिस्ती बोलते हैं, जो तराई वराई करता है, पानी वानी देता है, वाटरमैन। और एक हम इसमें ले लेते हैं टूल एंड ब्लास्ट। ठीक है, फिर अब इनकी देखिए हेड, अब इनकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। फिर इनका भी रेट और फिर इनकी भी अमाउंट। तो देखिए हेड मेसन हम आधा ही लेकर चलते हैं, क्योंकि तो इसकी मतलब आधे, मतलब आधा हेड मेसन का मतलब यह है कि उसके आधे दिन की हम उसके तनख्वाह दें, मतलब आधे दिन की दिहाड़ी होगी पूरे दिन की, क्योंकि तो सिर्फ बताकर चला जाता है कि भाई इतना इतना काम ऐसे ऐसे करना है, तो इसकी सिर्फ हम आधा लेते हैं। मेसन हम जनरली इसमें 2 ले लेते हैं। बेलदार मजदूर का मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए आप ये याद रखें कि 100 क्यूबिक फीट के लिए जो है 2.83 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, आप इतना याद रखें। अब अगर हमें एक इसके लिए जो है कितने लेते हैं हम, इसके लिए लेते हैं हम 2 बेलदार, 3 मजदूर। तो अगर हमें 1 मीटर क्यूब के लिए निकालना हो तो 2/2.83, और हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, 10 मीटर क्यूब के लिए, तो इसको 10 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आपके 8 बेलदार के करीब आ जाएंगे, 8, और मजदूर आपके आ जाएंगे अप्रोक्स 10। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर दीजिए, 8 बेलदार, 10 मजदूर, वाटरमैन जो हम इसको, तो वाटरमैन को जनरली कम ही लेकर चलते हैं। वाटरमैन का मैं आपको बता दूँ, 3/4 लेते हैं, 3/4 10 मीटर क्यूब के लिए, और 2.83। एक बार देख लेते हैं कितना आएगा ये, टू पॉइंट सिक्स फाइव, तो 3 बिस्ती ले लेते हैं, इनको बिस्ती बोल देते हैं। और टूल्स एंड प्लास होते हैं लमसम लेते हैं औजारों का किसी भी, तो ये 100 रुपये हम एक मुश्त ले लेते हैं। और अभी इनके रेट, हेड मेसन का जो रेट है वो 400 रुपये मान लीजिए, मेसन का 300, बेलदार का 200, और मजदूर का आपका 180, या बिस्ती का मान के चल रहे हैं आप, एक बिस्ती का भी इतना ही मान लीजिए, वाटरमैन जो होता है
ये स्टैंडर्ड रेट्स हैं वैसे तो, आप इनको वेरिएट करते रहते हैं जगह टू जगह, ये वेरिएट करते रहते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी अमाउंट 200, इसकी इससे गुणा करिए, इसकी इससे करेंगे 200, 600 करते हैं 54, 40, और ये हमने ऐसे ही लमसम ले लिए 100 रुपये, तो इनको ऐड कर लीजिए 200, 600, 1600, 1800, 540, 4840 आ गई। अब आप इसके मटेरियल की और लेबर की कॉस्ट को क्या करिए, आप ऐड कर दीजिए 45,150 में, आप ये भी ऐड कर दीजिए 4,840, सॉरी यहाँ पे 45,100 थी ये, तो ये आ गई हमारी 49,940। तो जो टोटल कॉस्ट आई मटेरियल की और लेबर की मिलाकर वही 49,940। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी टोटल कॉस्ट आई, इसमें 1.5% जो है वाटर चार्ज ऐड कर दिए, ऐड 1.5% वाटर चार्ज। तो जब इसका 1.5% आप निकाल लें, 49,940 का 1.5%, सात सौ उनचास। और इसमें क्या करते हैं, 10% कॉन्ट्रैक्टर का भी जो बेनिफिट है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, उसको ऐड करते हैं 10%। तो ऐसे लिख लेते हैं 49,94। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 49,940 प्लस 7,49 प्लस 49,94 कितना आ गया, 55,683। ठीक है, ये तो आपका 10 मीटर क्यूब के लिए, और हमें 1 मीटर क्यूब के लिए चाहिए तो कितना जाएगा, 55,68, 5,568 रुपये हमारी कॉस्ट आएगी अगर हमें 1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट बिछानी है 1:4 के मसाले से। तो ये था रेट एनालिसिस दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर दूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब मैं सर अगली वीडियो डालूंगा ब्रेक वर्क की, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।